गोली मारो सालों को, ये पुलिस है नहीं तो पकड़े जाओगे। ये आखिरी स्टेटमेंट है अनुज प्रताप सिंह का। गोलियां चलाओ ये पुलिस वाले, मारो सालों को ये पुलिस वाले हैं नहीं तो पकड़े जाएंगे। पुलिस के एफआईआर के मुताबिक मरने से पहले अनुज प्रताप ने चिल्लाते हुए यही। सुल्तानपुर डकैती मामले में पुलिस ने आरोपी अनुज प्रताप को उन्नाव में एक एनकाउंटर में मार दिया। इस पूरी घटना का जिक्र पुलिस ने अपने एफआईआर में किया। गोली मारो सालों को, ये पुलिस है नहीं तो पकड़े जाओगे। ये आखिरी स्टेटमेंट है अनुज प्रताप सिंह का, जो यूपीएसटीएफ के साथ मुठभेड़ में आज मारा गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ये स्टेटमेंट का जिक्र भी उसी एफआईआर में है। ये एफआईआर दो लोगों के खिलाफ है, एक अनुज प्रताप सिंह जो मुठभेड़ में मारा गया और दूसरे अज्ञात के खिलाफ जो कि मौके का फायदा उठाकर वहां से बच निकला। एफआईआर दो धाराओं में दर्ज की गई है, 109 बीएनएस में जिसमें इंटेंशन टू किल समवन का जिक्र है और दूसरी आर्म्स एक्ट में, आर्म्स एक्ट के 325 धारा में। आपको बता दें कि सुबह 3:25 का वक्त था जब ये पूरी मुठभेड़ अचलगंज इलाके में उन्नाव की हुई। आपको बता दें एफआईआर के मुताबिक यूपीएसटीएफ की टीम को ये इनपुट मिला था कि सुल्तानपुर में जो डकैती हुई है उसमें से एक आरोपी जिसपे 1,00,000 का इनाम है अनुज प्रताप सिंह, वह उन्नाव में अपने साथी के साथ छुपा हुआ है और साथ ही साथ ज्वेलरी का जो बैग है जो उसने लूटी थी उसको भी कहीं छुपा के रखा है। यूपीएसटीएफ के मुताबिक उनको मुखबिर से सूचना मिली कि रात को उन्नाव से रायबरेली की तरफ अनुज प्रताप अपने साथी के साथ बाइक पे जाएगा और एक सराफा व्यापारियों को ये पूरी ज्वेलरी बेचेगा। इसी को देखते हुए गांव के पास 3 बजे यूपीएसटीएफ और पुलिस की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया और तभी का वक्त था जब सामने से एक बाइक आती है जिसमें अनुज बैठा होता है अपने एक किसी दोस्त के साथ। मुखबिर जो है वो पहचानता है, ड्रैगन लाइट मारी जाती है चेहरे पे जिससे पहचान होती है कि हाँ ये अनुज प्रताप है। पुलिस रुकने को कहती है लेकिन उसके बाद उसके द्वारा भागने की कोशिश होती है और मिट्टी गीली होने की वजह से बाइक वहाँ स्लिप कर जाती है। यूपीएसटीएफ के मुताबिक तेज़ पुलिस द्वारा आवाज़ में बोला गया कि सरेंडर कर दीजिए, उसके बाद भी सरेंडर नहीं हुआ, उल्टा पुलिस और एसटीएफ पर फायरिंग होती है। जब फायरिंग होती है तो रवि वर्मा यूपीएसटीएफ का एक जवान उसको छाती पे गोली लगती है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण कोई चोट नहीं लगती है लेकिन इसके बाद यूपीएसटीएफ जवाबी कार्रवाई करती है और गोलियां चलाती है। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं जिसके बाद एक गोली अनुज प्रताप के पैर पर लगती है, खून बहता है। इसी का फ़ायदा उठाकर मौके का जो साथी है वो भाग जाता है जिसके बाद अनुज को वहाँ पर अस्पताल लेके जाया जाता है, वहाँ से दूसरे अस्पताल रेफर किया जाता है और जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। फिलहाल मौके से 2 से 3 तमंचे मिले हैं, साथ में जिंदा कारतूस भी मिले हैं, खोखे भी मिले हैं जिसको फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने सीज करके जाँच के लिए भेज दिया गया है। एक उच्च स्तरीय जाँच इस पूरे मामले में हो रही है। एनकाउंटर कितना असली है कितना नकली है ये तो जांच का विषय है लेकिन एक बात तो तय है कि जो उत्तर प्रदेश में इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति चल रही थी, जैसे पहले अखिलेश यादव का बयान आया कि यूपी पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर करती है जिसके बाद यूपी पुलिस और भाजपा से फिर जवाब आया, अब इस घटना के चलते कई लोगों के मुँह तो बंद हुए हैं और कई लोग इस राजनीति में अभी भी आगे बढ़ के अपने हाथ सेक रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, उन्नाव, यूपी तक।